इन दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर IBPS RRB का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। हाँ, यहाँ पर जो आपकी प्री होने वाला है, ठीक है, IBPS RRB भर्ती 2024 जो आपका स्केल वन है, ठीक है, यहाँ पर इसके लिए एडमिट कार्ड जो है आ चुके हैं। और इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ कैसे आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो इनकी एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, वो 3, 4, 10, 17 एंड 18 अगस्त के बीच में होगी, ठीक है। यानी आप पर टोटल जो है यहाँ पर 3 तारीख, ठीक है, 4 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख को जो है ये एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। तो कैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे ये वीडियो इसी के लिए यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है और एक वेबसाइट आपको सर्च कर लेनी है गूगल में, हरियाणा जॉब्स, ठीक है, हरियाणा जॉब्स करके ये जो है वेबसाइट है, ठीक है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे इसको जो है क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे, देखिए लेटेस्ट जो अपडेट है जस्ट अभी जो है एडमिट कार्ड आपका आया हुआ है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ IBPS RRB, ठीक है, ऑफिसर स्केल वन, ठीक है, प्री जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर आ चुके हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो लिंक है वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है डायरेक्टली लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए 24 तारीख से लेकर आज से लेके जो है आप जो है 4 तारीख तक ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। जी हाँ, आज से लेके 4 अगस्त तक जो है आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। अब इस पेज पे आप आने के बाद देखिए यहाँ पर लॉगिन वाला जो है पेज आपको दिखाई दे रहा है, लॉगिन पे आ जाना है। यहाँ पर जो है अपनी भाषा आप सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पर जो भी आपकी भाषा है, ठीक है, उसमें आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है जो आपने फॉर्म भरते समय जो है चूज़ किया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका चाहिए होगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, जो भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है या रोल नंबर है। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगा, पासवर्ड, ठीक है, याद रखिएगा पासवर्ड जो है डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद जो कैप्चा है, ठीक है, वो कैप्चा यहाँ पर आप लोगों को कैपिटल है तो कैपिटल और अगर स्मॉल है तो स्मॉल जो है यहाँ पर आप लोगों को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा जो है लॉगिन कर देना है, ठीक है, यहाँ पर लॉगिन कर देना है। अगर आपका पासवर्ड जो है नहीं मैच आता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा जो है अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है इसमें अलग अलग टाइप की पोस्ट है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी आप लोगों का जो ग्रुप ए है, ठीक है, ऑफिसर स्किल की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर अभी आपका एडमिट कार्ड आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑफिस असिस्टेंट है एक पोस्ट है उसके एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं किए गए हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पैनिक नहीं करना है, ठीक है। ऑफिसर स्केल वन का ही यहाँ पर अभी एडमिट कार्ड आया हुआ है, इसमें बाकी भी पोस्ट है, ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है, और भी पोस्ट है, तो सेम प्रोसेस रहेगा, जो भी एडमिट कार्ड आएंगे सभी के इसी तरीके से आप लोगों को जो है डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है डायरेक्टली, कोई डाउट है, ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आप लोगों को जो है रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।